जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपके फॉर्म को प्रोसेस होने के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने फॉर्म भरा और आपके तुरंत पैसे आ गए। इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है कि आपने अपना फॉर्म भरा तो यहाँ पर लिखा रहा है ऑनलाइन सबमिट एट पोर्टल लिखा रहा है, इसके आगे जो लिखा गया है सेंड टू फील्ड ऑफिस उसमें खाली है। तो ऐसा क्यों है? आपका फॉर्म क्या PF ऑफिस कब जाएगा, आगे इसके क्या प्रोसेसेस होंगे, ये सब चीजें आपको मैं यहां पे बता रहा हूं। तो देखिए यहां पे 17 तारीख को फॉर्म भरा गया है और अभी 17 तारीख ही है और टाइम हुआ है 7:05 और ये फॉर्म भरा गया है 6:04:18 पे ये फॉर्म भरा गया है और अभी यहाँ पे सेंड टू फील्ड ऑफिस में खाली लिखा हुआ है। तो जो खाली है तो खाली का मतलब ये होता है कि अभी ये फॉर्म भेजा नहीं गया है PF ऑफिस। तो PF ऑफिस का सिस्टम आज 17 सितंबर 2021 में इस तरह से काम करता है कि जो भी फॉर्म भरे जाते हैं वो सारे फॉर्म कलेक्ट किए जाते हैं और वो कलेक्ट करने के बाद रात में 9 से 9:30 के बीच में PF ऑफिस, जिस PF ऑफिस का ये फॉर्म होता है उस PF ऑफिस में भेजा जाता है। तो यहाँ जब आप देखेंगे तो यहाँ सेंट टू फील्ड ऑफिस के अंदर वो टाइम लिखा आता है जिस टाइम पे आपके फॉर्म को आगे PF ऑफिस में भेजा गया है। तो यहाँ पे अगर अभी तक डेट नहीं आई है, टाइम नहीं आया है, तो वो इसलिए नहीं आया है क्योंकि आपके तरफ से जो आप फॉर्म भर रहे हैं वो अभी PF ऑफिस तक नहीं पहुँचा है। तो मैं यहाँ पे एक और किसी पर्सन का दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको यहाँ टाइमिंग समझ आ सके कि अगर हम फॉर्म भरते हैं तो वो किस टाइम पर जाता है। तो इसको हम लॉग आउट करते हैं और यहाँ पर एक नया लॉग इन हम करते हैं जिससे आपको बेहतर एग्जाम्पल समझ आएगा। तो यहाँ पर जो मैं आपको चीज़ें बताता होता हूँ वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैं करता हूँ अपने ऑफिस में वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ताकि अगर आप उस ऐसी परेशानी हो और आप ढूंढ रहे हो उसका सॉल्यूशन तो आपको मिल सके। तो यहाँ पे इस चैनल को सपोर्ट आप कर सकते हैं, उसके लिए सिर्फ आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने से ये चैनल बड़ा होगा तो ये जानकारी बाकी लोगों तक जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इनके कई बार फॉर्म भरे गए हैं, तो इस फॉर्म के अंदर देखिए किस किस टाइम पर फॉर्म भरा गया है और पोर्टल सबमिट एट पोर्टल कब है और सेंड टू फील्ड ऑफिस कब है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 4:30 भरा गया है सबमिट एट पोर्टल। सबमिट एट पोर्टल का मतलब होता है कि ऑनलाइन आपने किस टाइम पे भरा है। तो सबमिट एट पोर्टल में यहाँ पे लिखा गया 4:30, यहाँ 8:30, यहाँ पे 10:30 सुबह, यहाँ 11:30 सुबह, यहाँ 11:00 सुबह, और फील्ड ऑफिस में कब गया है। फील्ड ऑफिस में गया है 9:09 पे, 4:42 सुबह, 9:30, यहाँ 9:30 और यहाँ सुबह। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक जनरल टाइम जो है ये है रात में 9 से 9:30 का टाइम है, और अगर उसके उस टाइम पे प्रोसेस नहीं होता है, मतलब उस टाइम पे अगर फील्ड ऑफिस में नहीं भेजा जाता है तो फिर आपका अगले दिन सुबह सुबह फील्ड ऑफिस में चला जाता है। ये फील्ड ऑफिस क्या होता है, यहाँ पे आपके मन में ये सवाल आ सकता है। तो फील्ड ऑफिस का मतलब ये बोला जाता है कि PF ऑफिस। अब PF ऑफिस किस PF ऑफिस में जाएगा, उस PF ऑफिस में जाएगा जिसमें आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। जैसे मैं यहाँ पे इनको दिखाऊं तो यहाँ पे ये किस कंपनी में काम करते हैं, ये NDMC में काम करते हैं और इनकी PF ऑफिस DLCPM है। तो इनका PF ऑफिस कौन सा हो गया, इनका PF ऑफिस हो गया इनका वजीरपुर PF ऑफिस है। तो वजीरपुर PF ऑफिस के अंदर में लगभग मान लीजिए 500 कर्मचारी काम करते हैं। तो 500 कर्मचारियों में से ऐसा नहीं कि किसी भी कंप्यूटर पे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके फॉर्म पहुंच जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। उस पिन कोड के हिसाब से जिस PF ऑफिस के अधिकारी के अंडर में आपकी कंपनी आती होगी उसी के कंप्यूटर पे जाएगा, उसके कंप्यूटर पे जब चला गया तो वहाँ पे फील्ड ऑफिस, वो कहा गया फील्ड ऑफिस, फील्ड ऑफिस में चला गया। अब मान लीजिए कि मैं वो अधिकारी हूँ जिसके अंडर में आपकी कंपनी आती है, तो आपकी कंपनी के अलावा मेरे एक व्यक्ति के अंडर में लगभग 50 से 100 कंपनियाँ होती हैं। अभी उस 50 से 100 कंपनियों में जितने लोग फॉर्म भर रहे हैं वो सभी फॉर्म्स को प्रोसेस करने
का काम उसी आदमी का होता है। तो उन आदमी को क्या करना होता है, उनको आपके फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना होता है और उसके बाद प्रिंट आउट निकाल के रखना होता है। तो ऐसे में हो सकता है कि आपसे पहले उसके पास बहुत सारे पहले से फॉर्म पड़े हों, तो अब अगर बहुत सारे फॉर्म पड़े हुए हैं तो जब तक आपके फॉर्म का नंबर नहीं आता है तब तक आपका फॉर्म यहाँ पे अंडर प्रोसेस लिखा आता है। जब आप करंट स्टेटस देखेंगे तो अंडर प्रोसेस लिखा आएगा। मान लीजिए कि आज मेरे पास आपका फॉर्म आया और मैंने उसको पिक कर लिया, पिक कर लिया मतलब प्रिंट आउट निकाल लिया, मैंने प्रिंट आउट निकाला, प्रिंट आउट निकालते ही मैं उसे फॉर्म को संभाल के रख देता हूँ, मतलब प्रिंट आउट निकाल के फाइल बना के रख देता हूँ। अभी मेरे अप्रूवल के बाद एक और अप्रूवल जाएगा जो कि मेरे से सीनियर ऑफिसर का होगा। कुछ ऑफिस में सीनियर ऑफिसर अपना डेजिग्नेट कर देते हैं कि जूनियर ही पास कर सकता है, 50,000 से कम वाले फॉर्म तो उसमें सीनियर के पास नहीं जाता, तो सिर्फ एक ही अधिकारी के अप्रूवल से वो आगे फाइल बढ़ जाती है। इसके बाद बारी आती है आपका क्लेम सेटल हो गया उसके बाद कैश सेक्शन के पास जाता है। कैश सेक्शन के पास जाने के बाद फिर कैश सेक्शन का काम होता है आपका जो भी सेटल किया गया अमाउंट वो आपके बैंक में भेजना। अब मान लीजिए कि कैश सेक्शन जो भेजेगा उसमें अगर शनिवार रविवार हो गया तो वो 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लग गया और फिर आपको 2 या 3 दिन के अंदर में सेटल होने के बाद पैसे आते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हुआ जिसके अंदर मैंने आपको सबमिट एट पोर्टल बताया, फिर सेंड टू फील्ड ऑफिस बताया, फिर अंडर प्रोसेस बताया, फिर कैश सेक्शन बताया और कैश सेक्शन के बाद आपके बैंक अकाउंट में आते हैं। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है इस पूरी चीज़ को होने के लिए। तो क्या इस प्रोसेस को फास्ट किया जा सकता है? तो हाँ, इस प्रोसेस को फास्ट किया जा सकता है। मान लीजिए आपका फॉर्म सबमिट हुआ, ऑनलाइन दिख रहा है आपको कि आपका इतना बैलेंस है, तो क्यों ना नेट बैंकिंग की तरह अगर आपके कोई नियम है, एक्चुअली पीएफ ऑफिस में भी ऐसा नहीं है कि वो आपका वहाँ पे कैलकुलेटर लेके बैठे रहते हैं, कैलकुलेटर लेके कोई नहीं बैठा रहता, उनको सिस्टम ही कैलकुलेट करके देता है। मान लीजिए आपने कोविड का फॉर्म भरा तो कोविड में आपको कितने पैसे देने हैं उसके लिए कंप्यूटर अपने आप ही ऑटोमेटिक आपका बैलेंस चेक होता है। बैलेंस चेक होने के बाद जो लिमिट है उस लिमिट के अंदर में आपको पैसे दिए जाते हैं। तो इन सभी लिमिट्स के साथ ही आपको आपका पीएफ का अमाउंट मिलता है। तो ये प्रोसेस ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन क्योंकि सरकारी सिस्टम है तो सरकारी सिस्टम हमेशा ढीला रहे उसी में सरकार खुश रहती है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई आदमी अपने ही पैसे के लिए यहाँ 10 दिन 15 दिन 20 दिन वेट करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोसेस को ऑटोमेशन में जब लाया जाएगा तो आपका फॉर्म प्रोसेस जल्दी होगा। आज के टाइम पे अलग अलग पीएफ ऑफिस के अंदर में अलग अलग टाइम लगता है, जैसे दिल्ली के अंदर अगर बात करें तो 5 से 7 दिन का समय लगता है, वहीं अगर गुड़गांव में करें तो 10-12 दिन का समय लगता है और किसी पीएफ ऑफिस में 15 दिन का भी समय लग सकता है। और वो अधिकारी जिस अधिकारी के कंप्यूटर पे आपका ये फॉर्म जाएगा अगर वो छुट्टी पे चला गया है तो फिर मान के चलिए कि आपका फॉर्म लंबे प्रोसेस, मतलब जब तक वो पर्सन अपने ऑफिस में वापस नहीं आएगा, अपनी कुर्सी पे नहीं बैठेगा, तब तक आपका फॉर्म अंडर प्रोसेस ही रहेगा। और आपका मान लीजिए वो अधिकारी 10 दिन बाद आया तो 10 दिन के बाद तो और भी फॉर्म्स, लोग फॉर्म भरना बंद थोड़े कर रहे हैं तो फॉर्म लोग भरते जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है, डेट के हिसाब से आपका फॉर्म प्रोसेस किया जाता है। जो पहले तारीख में आया वो पहले पास किया जाएगा, फिर दूसरे तारीख वाला दूसरे में पास किया जाएगा। क्या उस अधिकारी का काम किसी और को नहीं दिया जा सकता है? तो दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अगर वो जो उनका सेक्शन सुपरवाइज़र होता है या असेसिंग ऑफिसर होता है वो अगर वो इस चीज़ से सहमत होता है कि हाँ भाई वो तो गया, राम तो गया 15 दिन की छुट्टी पे, तो राम का काम श्याम को दे दिया जाए, तो ऐसे में लॉगिन जो है शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरे आदमी को। लेकिन दूसरा आदमी के पास अपना भी ऑफिस का काम होता है तो अल्टीमेटली आपका फॉर्म सफ़र करता है अगर आपका अधिकारी छुट्टी पे है। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो, समझ आया हो, तो आप कमेंट में जरूर मुझे बताएं। देखिए मेरा चैनल में यह है कि मैं जो काम करता हूं वो आपसे नॉलेज शेयर करता हूं, तो यहां जो शेयरिंग वाली चीज हो रही है इसको ज्यादा लोगों तक पहुंचे उसके लिए जरूरी है इस चैनल का बड़ा होना। तो आप सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।